नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब हलचल का दौर जो है वो तेज हो गया है। और सीएम नीतीश कुमार से ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एनडीए में सीटों का बंटवारा हो सकता है और उम्मीदों और जितनी भी उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, उन उम्मीदवारों की उम्मीदें यही है कि भाई हम सीट हासिल कर ले। और ऐसे में उम्मीदवारों और सीटों पर लगातार मंथन और चिंतन का दौर जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का यह मंथन इस वक्त चलता हुआ बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी तरह की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। और क्या कुछ कहा संजय झा ने, चूंकि मुलाकात उनकी हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं। All 40 seats in Bihar, there is no problem. Or as far as seat sharing is concerned, वो final stage में है. और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है. और how many seats JDU will contest, sir? वो अभी details सारा we will do the, we'll share with the press. We are in touch with people, with other parties. And you will get the details about number of seat and who will contest which seats. तो संजय झा कह रहे हैं कि भाई कहीं कोई पेंच नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द अब आपके सामने। सीटों की संख्या की बात अगर करें तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है सहयोगियों में, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद अमृतराज जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और आनंद से ही जान लेते हैं कि भाई अगर सब कुछ साफ है, सुलझा हुआ है, तो फिर ये तस्वीर साफ होती क्यों नहीं, इसमें वक्त इतना क्यों लग रहा है। और देखिए हमारे साथ सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, संजय झा ने मुलाकात की, ललन सिंह की मुलाकात होती है और बाहर आते हैं तो फिर वही जवाब देते हैं कि भाई थोड़ा और वक्त, बस सब कुछ साफ है, जल्द बता दिया जाएगा। लेकिन आखिर इतना वक्त ये जल्द जल्द कहते हुए भी क्यों लग रहा है? देखिए विभा, जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट गई, कौन सी पार्टी कहां कहां सीट पे लड़ेगा। और खबर ये भी है कि उसके साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। संजय झा ने अभी जो इशारा किया उसे साफ साफ था कि बात अंतिम चरण में है। कुछ मामला अभी ऐसा है जिसको सुलझाना है एनडीए को, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। खबर यह भी कि कल एक बार फिर से उनके बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है और उसके बाद तस्वीर साफ होने की पूरी संभावना है। साथ में चिराग के बारे में तस्वीर साफ है कि चिराग को 5 सीट मिल रहा है, चिराग की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। जेडीयू 16 सीट और 17 सीट बीजेपी। पशुपति कुमार पारस को लेकर भी सवाल इनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि जिनसे उनकी बातचीत हो रही है उनसे पूछे। साफ साफ है जेडीयू को पशुपति कुमार पारस से कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी से बातचीत उनकी चल रही है पशुपति कुमार पारस से। और पशुपति कुमार पारस ने कल बयान भी दिया था। तो जाहिर तौर पे जो मोटा मोटी अगर एनडीए के घटक दलों की देखें तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, इसकी घोषणा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 24-48 घंटे में कभी भी की जा सकती है और एकदम अंतिम चरण में। जाहिर तौर पे कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी अदला बदली भी हो सकती है विभा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें अदला बदली की स्थिति हो सकती है। जेडीयू के कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिन पर अभी चिंतन मनन चल रहा है, खासकर उनके बारे में जो इंटरनल फीडबैक आया है, जो पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है उस बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और एक एक चीज को नापा तोला जा रहा है कि भाई आनंद अगर हम परिपाटी की बात करें या फिर ये अगर अभी तक के ट्रेंड की बात करें, हर चुनाव में जब जब लोकसभा के चुनाव हुए 2014 हो, 2019 हो और अब 2024 की बात हो, चूंकि तारीख सामने आ चुकी है और हमने हमेशा देखा है कि एनडीए हमेशा से एक साइकोलॉजिकल माइलेज जो है वो लेता रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाती है, किसके पास कितनी सीटें जा रही है इसकी घोषणा हो जाती है। तो क्या ये मानकर चलें कि यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा?
देखिए विभा, इस बार थोड़ी दिलचस्प तस्वीर दिख रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी संजय ने बताया था कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि 20 के पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। आज 17 तारीख है, अब 2-3 दिन बचा हुआ है और आचार संहिता कल लागू हो चुका है। ऐसे में स्थिति यह है कि एनडीए पहले उम्मीदवारों की घोषणा करे, सीट की घोषणा करे, कि महागठबंधन पहले उम्मीदवारों और सीट की घोषणा करे, इस पर अभी पहले आप वाली स्थिति है, क्योंकि इस बार लड़ाई थोड़ी दिलचस्प स्थिति में बताई जा रही है। खासकर कुछ दिन पहले ही एनडीए के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जोड़े, उसके पहले वो महागठबंधन के साथ है, तो महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार को लेकर सबको रणनीति बना रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार ने गठबंधन चेंज किया तो महागठबंधन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ी है। इसमें महागठबंधन की नजर रही कि एनडीए कौन से उम्मीदवार को किस सीट पर उतारता है, उसके बाद एक नए समीकरण के तहत महागठबंधन की कोशिश होगी कि उस समीकरण को साधने के लिए उस पर उम्मीदवार उतारा जाए। यही स्थिति एनडीए गठबंधन की भी है कि महागठबंधन कौन से सीट पर किस उम्मीदवार को उतार रहा है। तो ये पहले आप वाली बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके पहले एनडीए ने पहले उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन इस बार अगर पहले आप वाली स्थिति में अगर दिख रही है पूरी परिस्थिति, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में कई बार होता है कि अंतिम समय में सामने वाले उम्मीदवार को देखकर उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर है, जो हमारे पास जानकारी है, अगले 24 से 48 घंटे में कभी भी एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा, सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। विभा, बिल्कुल, तो आनंद जैसा आप कह रहे हैं कि बस 24 घंटे का और इंतजार हमें करना होगा, उस 24 घंटे के अंदर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई कौन किस सीट से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप चर्चा में कह रहे थे कि कुछ सीटें हैं जेडीयू की जहां पर कैंडिडेट को बदला जा सकता है, हो सकता है कि ये सीटें जो अब तक जेडीयू के पास रही होंगी अब वो बीजेपी के पास चली जाए, तो क्या ऐसी कुछ सीटों की चर्चा हो रही है कि आखिर ये कौन सी सीटें हो सकती हैं? क्योंकि वहां पर वही कैलकुलेशन, जातिगत समीकरण देखा जाएगा, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश होगी। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार के नहीं, लेकिन मैं कुछ एक दिलचस्प जानकारी आपको दे रहा हूं जिससे हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं, आपके लिए भी आसान होगा। देखिए, पाटलिपुत्र सीट पे बीजेपी के सांसद हैं, आरा पे बीजेपी के सांसद हैं, बक्सर पे बीजेपी के सांसद हैं, काराकाट, जिसके बारे में काराकाट इसके पहले जेडीयू के पास था लेकिन अब जेडीयू के साथ एनडीए के साथ उपेन्द्र कुशवाहा गए हैं, जिनके बारे में चर्चा है कि उपेन्द्र कुशवाहा काराकाट से लड़ेंगे, तो वो भी जेडीयू कहां से गई। सासाराम पे बीजेपी के सांसद है, औरंगाबाद में बीजेपी के सांसद है, गया के बारे में चर्चा है कि जीतन नामांजी को सीट जा सकता है, लेकिन खबर यह भी कि जीतन नामांजी के पार्टी को शायद एक भी सीट नहीं मिले, लेकिन अभी चर्चा है कि भाई जीतन नामांजी के पार्टी को गया सीट जा सकता है। एकमात्र सीट इस पूरे जोन में अगर आप देखें, मगध से लेके अगर पूरे रोहतास और सासाराम में, तो एकमात्र सीट जहानाबाद बस्ती है जेडीयू के लिए, जो परिस्थितियां ठीक नहीं है जेडीयू के लिए। तो हमारे पास जो जानकारी है कि काराकाट की सीट के बदले जेडीयू कोई और सीट का डिमांड कर सकता है, या तो औरंगाबाद की सीट हो सकता है या फिर बिल्कुल आनंद अब हमें उस 24 घंटे का इंतजार करना होगा जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि बिल्कुल जो पहले आप वाली स्थिति थी वो पहले आप वाली स्थिति खत्म होती है तो किसकी तरफ से होती है। और